ये देखिए, बोलिए सिसोदिया भ्रष्टाचार किया क्या? तो सिसोदिया से आज भी सीबीआई पूछताछ करने वाली है। एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरे आरोपियों के आमने सामने बिठाकर पूछताछ सीबीआई करने वाली है। सीबीआई की लिस्ट तैयार है। चार कड़े सवाल सिसोदिया से पूछे जाएंगे। विशेषज्ञ समिति वाली फाइल कहां है, यह भी सीबीआई पूछने वाली है। सवाल यह भी होगा कि सिफारिश वाली फाइल गायब क्यों है, क्योंकि इससे पहले भी ये आरोप लगे मनीष सिसोदिया पर कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। ये गंभीर आरोप है और आज जो तमाम दूसरे आरोपी हैं जो एक तरीके से सिसोदिया के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है, ये बड़ा झटका उनको लगा है। 6 मार्च तक सिसोदिया की रिमांड बढ़ा दी गई है। जमानत याचिका पर अब 10 मार्च को फैसला आएगा। एक ही सवाल पूछकर मेंटल हैरेस कर रही है सीबीआई, ये सिसोदिया ने कहा है। सिसोदिया का कहना है कि पूछताछ कितनी भी कर ले कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई पहले ही रिकवरी कर चुकी है, कुछ नहीं मिला है और अब मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। सिसोदिया की रिमांड अभी ऑन है, यानी अभी रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। फिर से पूछताछ उनसे की जाएगी। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जमानत अर्जी पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। आरजू सेठ संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आरजू, अपडेट बताइए, क्योंकि जो सिसोदिया की रिमांड है वो बढ़ गई है, क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जी देखिए, मनीष सिसोदिया को कोई भी राहत नहीं मिली है और उनकी मुश्किलें जो है वो और बढ़ने वाली हैं। दिल्ली रॉस एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जो कस्टडी है वो 2 दिन और बढ़ा दी है। यानी कि सोमवार को एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया को आमने सामने जो और एक्यूज है, जो इसमें देखिए सोर्सेज से पता चला है कि सीबीआई ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें अन्य जो अपराधी हैं, जो अन्य लोग हैं, जो दिल्ली ऑफिसर्स हैं एक्सरसाइज पॉलिसी में जो इन्वॉल्व थे, उनको सामने बैठा ला जाएगा और उसके बाद मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी। तो ये पूरा काम जो है वो आज 10:30 बजे के बाद से पूछताछ जो है वो मनीष सिसोदिया से शुरू हो जाएगी और उसके बाद एक बार फिर से सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यही बात जो बेल याचिका दिल्ली रेवेन्यू हाउस में जो पेश की गई थी कोर्ट में, उस पर लेकर 10 मार्च को सुनवाई होगी। तो देखिए, पूरी मुश्किलें जो है वो मनीष सिसोदिया की बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब देखना ये है कि भी बताया जा रहा है कि सीबीआई जब सवाल पूछेगी तो आमने सामने आरोपियों को बिठाया जाएगा, फेस टू फेस ये क्वेश्चनिंग की जाएगी। 4 कड़े सवाल जो पूछे जाने हैं, वो सवाल क्या है? जी देखिए, सवाल कई सारे हैं, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया का जो सिस्टम जो सीबीआई को मिला था उनके ऑफिस से, उसमें से कई सारी जो फाइल है वो डिलीटेड थी, लेकिन उसको रिकवर कर लिया गया है, तो उन फाइल्स को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। तो वहीं जो स्टेटमेंट निकले हैं उनको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। जो साउथ लॉबी के साथ उनकी चैट व्हाट्सएप चैट्स निकली हैं उसको लेकर कई सवाल जो है वो मनीष सिसोदिया से पूछे जाएंगे। साफ तौर पर सीबीआई का ये कहना है कि कई अभी देखिए जो एक्सरसाइज सेक्रेटरी थे और एक्सरसाइज कमिश्नर थे उनको सामने बैठा कर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ अफसर हैं जिनको बैठा कर पूछताछ करना बाकी रह गया है। तो इसी को लेकर जो 2 दिन की रिमांड है उसको आगे बढ़ाया गया है और उसी को लेकर अब मनीष सिसोदिया से आमने सामने बैठा कर सवाल पूछे जाएंगे। और कई सारे सवाल जो अभी भी रह गए, जो जो डॉक्यूमेंट्स जो मिसिंग है उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। क्या कहा गया कि सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रही है? जी देखिए, मनीष सिसोदिया के वकील का साफ तौर पर यह कहना है कि इन्वेस्टिगेशन का पूरा ना होना, उनका सहयोग ना करना, ये जो कस्टडी है उसको बढ़ाने का आधार नहीं है। इसीलिए उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मनीष सिसोदिया को बेल दे देनी चाहिए। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मनीष सिसोदिया की जो वाइफ है उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, त्योहार पास में है, तो मनीष सिसोदिया को बेल दे देनी चाहिए, उसके बाद एक बार फिर से वो इन्वेस्टिगेशन के लिए लौट आएंगे। तो ये सब दलीलें हैं जो मनीष सिसोदिया के वकील के द्वारा रखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो दोनों पार्टी थी उनके आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि 2 दिन की जो रिमांड है उसको बढ़ा दिया गया और एक बार फिर से मनीष सिसोदिया। बिल्कुल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीबीआई जो सवाल करने वाली है उसका सामना सिसोदिया को करना होगा और किस तरह से वो जवाब देते हैं, क्या सीबीआई उससे संतुष्ट होती है, देखना होगा। आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।